بسم الله الرحمن الرحيم الرجي बैंक के बाहर खड़े हैं जी, काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पता नहीं कब बारी है। कोरोना की वजह से काफ़ी रहा है। एक रोज़ा तो गर्मी चट्टी लंबी लाइन लगी हुई है। अच्छा, एक घंटा हो गया मैं इधर खड़े हुए। लाला जी, लाला ही रोज़ा लग रहा है, बहुत रोज़ा लग रहा है भैया, थोड़ा लग रहा है जी। घंटा तो लग गया, इधर खड़े हैं जी धूप में और काफ़ी मसला बना हुआ है। ये पीछे लाइन है, ये आगे रोजेदारों के लिए अजाब बना हुआ है ना जी। अंदर भी अंदर जाते हैं वो ले जाकर, फिर कुछ फर्क पड़ा जी? वो चाची का ट्रिप लगा लेंगे ना। ओ चाचा जरा कोने में बैठो, हमारे सिक्योरिटी पानी कितनी देर होगी तुम खलोते हैं? तो जी पौना घंटा है भाई को खड़े हो गए। चाचा जो हमारे हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, सोते हैं नजर आ रही है अंदर जाने की? कोई नहीं अभी यार, अभी कोई नहीं है। वो चाचा हमारे हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, उसके लगा लें वापस बैठा हूँ। सीधे पैर मारने लगता हूँ, पैर मारने ने बारी आने वाली जी हमारी, पूरे डेढ़ घंटे बाद जाके, आगे कोई भी नहीं है। अच्छा जी, पूरे दो घंटे बाद जाके हमारी बैंक से जान छुटी है। इतनी लंबी लाइन और इतनी गर्मी में, और ऊपर से धोला भी हमने रखा हुआ था, इतनी मतलब कहने का मतलब क्या जी, हम अपने ही पैसे लेने के लिए बैंकों की लाइनों में लगे हुए हैं। माना कि ये कोरोना वायरस है, लेकिन सारा कोरोना वायरस बाहर अंदर ही बैंक बाहर इतना राशन है, आज तो काम ही नहीं ख़त्म हो रहा, गाड़ी पंचर हो गई है। मार्केट जा रहा था, ऊपर से धूप है आज, गर्मी भी गर्मी भी और बाहर जाना, मार्केट में सारा दिन मार्केट में काम कार करके आज तो मेरी उल्लू हुई थी, वो आज तो रोज़ा लग रहा है मुझे। इतनी गर्मी में मार्केट में फिरना बहुत बड़ी बात है जी। वो उल्लू भाई कहते ना, मेरी उल्लू हो गई आज, मेरी उल्टू हो गई है भाई, आज मेरी उल्लू हो गई है। आज मैं फैक्ट्री में बस पहुँचने वाला हूँ, सुबह से मार्केट में फिर जाऊँ, शाम के 4:30 का टाइम हो गया, बाद में करता हूँ बात जी। अभी फैक्ट्री में आया हूँ, गर्मी देखी आपने काफ़ी, आई बाहर काफ़ी थी, और सबसे पहले मैं नहाऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, क्योंकि रोज़े में इस तरह नहीं रहा जाता, नहा के थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा ताकि जो रोज़ा लग रहा है उसमें थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। नहीं ऐसे भी गर्मी बहुत है, नहाने के बगैर गुजारा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टैंकी के ठंडे मोटर के ठंडे पानी से नहाया हूँ, सुकून आ गया जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जी, अल्लाह पाक ने पानी जैसी नेमत बनाई है जी। ठंडे पानी से नहाकर सुकून आ गया, जितनी गर्मी से मैं फिर कर आया हूँ ना,
मुझे पता है नहीं। रोज़े में काम तो हो जाता है, लेकिन इतनी गर्मी में धूप में बाहर जो फिरने वाला काम है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अब जाकर नहाया हूँ, इतनी ठंड पड़ गई है सीने में, अब मज़ा आ गया। अभी अब सुबह से मैं काम कर रहा था, पूरी खबर ये है कि जी मैंने अपने जानवरों को कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया। अब जाके फारुक हुआ हूँ, अब जाके जानवरों को देखता हूँ उनको कुछ खिलाते रहते हैं। उसके बाद फिर रफ्तारी का टाइम हो जाएगा, फिर रफ्तारी पर भी मिलेंगे। बस केला किस तरह भाई जान? दर्जन दे रहा रही। हाँ जी खोल दूँ आपको। सोचो भी जेल में सोने का वक्त हो गया, सोचो सोचो सब बच्चे। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी। आंटी जी आंटी पुलिस बुला लेगी। अंकल छोले खा के। अच्छा ये डायलॉग है एल एन पी रिकॉर्ड्स का, तो ये भी एक यूट्यूबर है, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये लोगों को रोस्ट करते हैं। काफ़ी 4-5 साल से ये वीडियो बना रहे हैं, लोगों को काफ़ी अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं। मैंने ये डायलॉग से बोला कि मुझे ये ना डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। और एक उनका एक और बहुत डायलॉग है जी, छोलो छोल बोलो बोल तोलो तोल खोलो। पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा लगेगा मुझे अगर वो मेरी वीडियो पर कमेंट भी करें जी, लेकिन कहाँ करेंगे जी, ये बड़े यूट्यूबर हमें कहाँ कमेंट करते हैं जी। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। यूं ही हमारे साथ प्यार बढ़ाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।